हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पिकअप की बॉडी किस तरीके से बनवानी चाहिए जिससे गाड़ी की वारंटी ख़त्म ना हो और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपको लग्जरी बॉडी बनवानी चाहिए या सादा बॉडी बनवानी चाहिए, आपको कहाँ बनवानी चाहिए, आपको ने लोकल मार्केट में या कहीं दूर, जैसे कई नाम फेमस हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, कई जगह लग्जरी बॉडी बनती हैं, तो आपको कहाँ बॉडी बनवानी चाहिए। आप कहीं भी बॉडी बनवाएं, लेकिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में हम पॉइंट बताएंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरीके से आपको बॉडी बनवानी है। ज़्यादातर CVC में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बॉडी बनवाते वक्त, क्योंकि उसमें नीचे से बॉडी बनवानी पड़ती है, उसमें चेचेस खाली आती है। FB में तो क्या है कि उसमें हाफ कार्गो बॉडी रहती है तो वो फिट रहती है, लेकिन CVC में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वही पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, हमारे सामने दो गाड़ी खड़ी हुई हैं जो दोनों CVC हैं, महिंद्रा की गाड़ी खड़ी हुई है पिकअप। ये वाली गंगापुर बॉडी है और इसकी हम लोगों ने लोकल में बनवाई थी। तो इन दोनों में फ़र्क दिखाएंगे और आपको भी बताएंगे किस तरीके से आपको बॉडी बनवानी चाहिए। और ये वाली FB खड़ी है जिसमें हाफ कार्गो बॉडी आती है और ऊपर बनवानी पड़ती है अपने हिसाब से, जितनी बनवानी है आपको। इसमें क्या रहता है कि नीचे से आपको बॉडी बनवानी पड़ती है। तो इस दोनों में फ़र्क दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम गंगापुर बॉडी दिखाते हैं। तो ये गंगापुर में बनाई गई थी और काफ़ी मजबूत बॉडी बनाते हैं और एक लगती भी अच्छी है देखने पर। तो हम लोग लोकल वाली दिखाते हैं जो हमने लोकल मार्केट में बनवाई थी। तो ये लोकल मार्केट में बनवाई थी। तो इन दोनों में फ़र्क दिखाएंगे आपको किस तरीके से बॉडी बनवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं जो हम लोगों ने मार्केट में बनवाई थी लोकल में। ये देखिए, यहाँ पर ये चेचेस है और ये वाली पत्ती है जो ये बॉडी में कसी हुई है, और ये पत्ती सीधे चेचेस पर रखी हुई है और इस पर वेल्डिंग है, यानी कि चेचेस में वेल्डिंग की गई है। इस तरीके से ये जोड़ी गई है। इसमें क्या रहता है कि जब भी, यानी कि चेचेस ख़राब होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें वेल्डिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर भी चेचिस में वेल्डिंग की गई है। तो इस तरीके से आपको बॉडी नहीं बनवानी है। तो अभी दूसरी गाड़ी दिखाएंगे, उसमें चेक कराएंगे उसमें किस तरीके से बनाई गई है। चलिए अब दूसरी गाड़ी चेक कराते हैं हम लोग। ये देखिए, इसकी चेचेस दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वेल्ड मतलब कि चेचेस में कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं की गई है, ये बाद में एंगल जोड़ दिया है। लेकिन वैसी कोई भी, बाद में जुड़वाया होगा, लेकिन वैसी कोई भी कहीं भी वेल्डिंग नहीं की गई है जी। एंगल देख रहे हैं आप, यहाँ पर लकड़ी लगाई गई है सीधे चेचेस से और बॉडी से, यहाँ पर इसको कस दिया है नट से, जिससे चेचेस से कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आपको बॉडी उतारनी पड़े तो आराम से बॉडी को उतार सकते हैं और चेचेस सेफ निकल आएगी। और ये लकड़ी काफ़ी लगाते हैं, यहाँ पर देखिए, इससे बॉडी भी अच्छी कसी रहती है और चेचेस भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पर भी देखिए, कहीं पर भी आपको वेल्डिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी ये एंगल लगाया है और एक यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर भी ये लकड़ी ही है। और पीछे साइड तक भी दिखाऊँगा मैं आप, तो यहाँ पर भी देखिए, पीछे तक लकड़ी गई है, यानी वेल्डिंग का नामो निशान नहीं है। जब भी ये एंगल खींचेंगे, यानी कि इनको खोलेंगे, तो बॉडी आराम से निकल आएगी। तो इन्हीं एंगलों पर ये बॉडी फिट हुई है। और इसमें क्या है कि सीधे बॉडी को रख दिया है और वेल्डिंग कर दिया है। इसमें क्या रहता है कि चेचिस ख़राब हो जाती है, उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है चेचिस की। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये ठिया वगैरह आते नहीं हैं उतने ज़्यादा इसमें, जितने FB में आते हैं। उसमें क्या है कि शुरू से बॉडी मतलब कि हाफ कार्गो बॉडी लगी रहती है। अब दिखाता हूँ मैं FB, तो इसमें तो इतना कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें हाफ कार्गो बॉडी रहती है। तो अपन को यहाँ से बॉडी बनवानी पड़ती है, जितनी आपको बढ़वानी है इतनी आपकी हाफ कार्गो बॉडी आ जाती है। और इसमें सारे कंपनी के ठिया आते हैं जी, तो इसमें ऐसा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मेरा मेन काम था बताने का कि आपको जब भी अगर CVC लेते हैं तो आपको लकड़ी लगवाना जरूर चाहिए, क्योंकि लकड़ी में आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म नहीं होती है, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। आप ऐसी रखवा देते हैं तो ऐसे में क्या है कि प्रॉब्लम आ जाती है, वारंटी ख़त्म हो जाती है।
और ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट में नहीं बनती हैं बॉडी, उनको बोलना पड़ता है कि लकड़ी चाहिए, उसके क्या है कि थोड़ा पैसे ज़्यादा ले लेते हैं वो, थोड़ा पैसे बढ़ा के तो लकड़ी वगैरह लगा देते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि बॉडी बनवानी तो वो ऐसे ही रख देंगे। और दोस्तों एक बात का वो आपको ध्यान रखना है, एक मेन काम है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को दिखाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये चद्दर ऊपर तक दिख रहा है आपको। इससे क्या होता है कि जब भी गाड़ी चलती है तो इससे क्या है कि हवा छिकती है, हवा से गाड़ी की स्पीड कम होती है और माइलेज भी थोड़ा फर्क पड़ता है माइलेज पर। तो आपको यहाँ पर मतलब सैंपल ऐसा चद्दर नहीं लगवाना है, यहाँ पर आपको या तो जाली वगैरह फिट करवानी है या आप यहाँ से आप ये वाला जाल लगवा सकते हैं और यहाँ यहाँ खाली रहने दें। इसमें क्या है कि ये काफ़ी ऊंचा है तो इससे हवा छिकती है और माइलेज पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है और स्पीड भी थोड़ी कम आती है गाड़ी की। बाकी इसको मॉडिफिकेशन करवाना है। और यहाँ पर अभी इस गाड़ी को दिखाऊं जैसे मैं, तो इसमें आप देख सकते हैं सामने से भी हवा के लिए पासिंग है और अंदर भी आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं उठा है, कम है। तो इसमें ठीक है, जैसे इसमें दिखाते हैं तो इसमें भी कम है, लेकिन यहाँ पर अगर ये कटा रहता जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ से कटा रहता तो क्या है कि हवा नहीं छिकती है, जैसे आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा थोड़ा, तो चलने में थोड़ा दिक्कत रहती है इसमें और माइलेज पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ आप ज़रूर कटवाएं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है उसमें, इसमें भी सबसे कम है। और सामने से जब भी जाल बनवाएं तो आपको कटवाना ज़रूर है, जैसे यहाँ पर एंगल वगैरह लगे हैं, गैप है जिससे हवा निकलती रहती है, तो माइलेज या स्पीड पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये ज़रूर करवाएं आप। तो ऐसा जाल ज़रूर कटवाएं और नीचे आप फट्टा वगैरह ज़रूर लगवाएं, जो काफ़ी लगवाना है तो लगवाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगते अच्छे हैं और एक सेफ्टी है गाड़ी की, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे। तो सारी गाड़ियों में फट्टे वगैरह लगे हैं। और साइडों में रेडियम ज़रूर लगवाएं आप, जैसे उस गाड़ी में साइड से आप देख रहे हैं उसमें रेडियम लगा है, और इस गाड़ी में भी रेडियम लगा है, इस साइड भी लगा है, इस रिफ्लेक्टर वगैरह, जिससे सही रहता है साइड से देखने पर। और गाड़ी भी अगर कोई आए खड़ी है गाड़ी तो दूर से दिख जाती है गाड़ी, तो ऐसे रिफ्लेक्टर ज़रूर लगवाएं साइडों में और पीछे भी लगवाएं, जैसे इस गाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं है तो ऐसे साइडों पर ज़रूर लगवाएं। और आगे वाले में आगे हम हाइट आते हैं जो यहाँ पर बम्पर में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर आप कहीं भी हाइट लगवा सकते हैं, जैसे इस गाड़ी में अभी लगाया है, अभी दिखाते हैं आपको, जैसे इस गाड़ी में हाइट लगा है तो इससे क्या है खड़ी रहती है तो नाइट में दिख जाती है गाड़ी। एक गंगापुर की बॉडी है तो काफ़ी मजबूत बॉडी बनाते हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी बनाते हैं। तो आप लग्जरी बनवाएं या ना बनवाएं वो अलग बात है कि किस तरीके से आपको बॉडी बनवानी है, लेकिन लकड़ी ज़रूर लगवाएं अगर आप CVC लेते हैं तो। और अगर FB लेते हैं तो उसमें तो कुछ रहते ही नहीं है, ऊपर आपको जितनी बनवानी है वो बनवा सकते हैं, बाकी नीचे गठिया आप कंपनी के ही आते हैं और वो फिट ही रहते हैं, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती इतनी। और ऊपर आपको जिस तरीके का मॉडिफिकेशन करवानी है वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। और दोस्तों जब भी बॉडी बनवाएं तो नीचे यहाँ पर चढ़ने के लिए ज़रूर बनवाएं, जिससे ऊपर आराम से चढ़ा जा सके। और यहाँ पर ये डंडे वगैरह ज़रूर लगवाएं, और ज़्यादातर हो सके तो साइड में आप सीढ़ी लगवा लें कहीं पर भी। और यहाँ पर जब भी केबिन बनवाएं यहाँ मतलब लगेज वाला, तो यहाँ तक करवाएं, यहाँ तक आपको दिख रहा है ये भाई छोटा है लेकिन इसमें ये हाफ और जुड़ा है, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि जब लोग हम लोग हाफ बनवाते हैं यहाँ तक, जब कोई भी सामने से चढ़ता है तो इस पर पैर रख देता है तो जिससे नीचे दबता है बार बार, या तो आप आगे कुछ ऐसा लगवा लें जितना इसमें लगा है, लेकिन केबिन जो इसका ये है यहाँ तक बनवाएं लगेज वाला, यानी तो आप छोटा जुड़वा सकते हैं, नहीं तो कोई सामने से चढ़ता है और इसी पर पैर रखता है तो बार बार वो दबता है, फिर ऊपर करो फिर दबता है, तो लूज होता जाता है। और ज़्यादातर बम्पर अगर बनवाते हैं तो स्टील का बनवाएं, इसमें क्या है कि
जंग लग जाती है इसमें बार बार जल्दी। और ये फोल्डिंग वाला है, जब भी खोल के रखें वो फोल्डिंग वाला ज़रूर बनवाएं। यहाँ से नट दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि कई सिटी ऐसी रहती हैं कि वहाँ पर चेकिंग चलती है तो आगे का बम्पर पर चालान काट देते हैं, अलाउ नहीं रहता है। तो ऐसे यहाँ से खोला और अपनी गाड़ी में रख लिया। जब भी कोई प्रॉब्लम आया, कहीं जाना है आपको ऐसी जगह कि जहाँ बम्पर पर चेकिंग वगैरह चलती है, तो ये खोल के रख सकते हैं। तो ऐसा बम्पर ज़रूर बनवाएं। हम लोगों ने भी अभी रख ही लिया है, उसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, बाद में लगवाएंगे, लेकिन फोल्डिंग वाला बनवाएंगे। इसमें दोनों में स्टील वाला लगवाना है। अभी तो हम लोगों ने एक पत्ती लगवा दी थी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका हम आंसर ज़रूर देंगे।